अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा द्वारा आरसीपी सिंह का भव्य स्वागत। सिवान के महादेवा के माधव नगर स्थित डॉक्टर राजीव कुमार सिंह के लकवा अस्पताल के कैंपस में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का मुख्य उद्देश्य भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पूर्व आईएएस आरसीपी सिंह का स्वागत करना था। इस कार्यक्रम में आरसीपी सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। वे सिवान के विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान यहां पहुंचे थे। सभा में मौजूद वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि वे बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में आरसीपी सिंह को देखना चाहते हैं। आरसीपी सिंह ने अपने संबोधन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ समाज में एक जाति के विकास से पूरे समाज का विकास संभव नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को विकसित होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आरसीपी सिंह ने बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा करने के साथ साथ ये भी कहा कि समाज की उन्नति के लिए सभी वर्गों का सामूहिक विकास आवश्यक है। आयोजकों ने आरसीपी सिंह के सिवान आगमन को सिवान के लोगों के लिए सौभाग्य बताया और उनके प्रति आभार प्रकट किया। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने सिवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से। अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोष और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। राजनीति और समाज की सेवा किसी एक जाति से नहीं होती, जमात से होती है। लेकिन जिस भी आप समाज जाति में रहते हैं, सब लोग मिलकर करके साथ काम करिएगा तो आपका भी विकास होगा, समाज का भी विकास होगा और देश का भी विकास। एक अहम बात जो लोग जानना चाहते हैं सर, आपको यहाँ पर लखन की भूमिका में जो आपके समर्थक हैं सब लोग कह रहे थे और नीतीश बाबू को राम कह रहे थे, तो राम लखन के बीच में भी सब ठीक है? देखिए, एक बात मैं बता दूँ भाई, नीतीश बाबू के साथ हम काम किए हैं और नीतीश बाबू का तो खुद ही नाम नीतीश है, नीति के ही से हैं, और हमारा नाम तो रामचंद्र है, तो हम तो लखन कैसे हो तो हम समझ में नहीं आता। सब जगह लोग बोल देता है मुझे, लेकिन तो मेरा नाम ही रामचंद्र है। और देखिए, मैं तो उनके साथ काम किया हूँ, तो देखिए संबंध, देखिए एक बात दरअस मुझे चीज़ को, मैं इस सोच का हूँ कि जिनके साथ आप अगर कुछ दिन भी काम करते हैं, तो जिस समय काम करते एक अच्छा संबंध रहता तब तो काम करते हैं, तो हम तो बरसों तक उनके साथ काम किए हैं, तो संबंध में कोई खटास आने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आज मैं दूसरे दल में हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू के हैं, और बिहार में NDA की सरकार है, केंद्र में भी NDA की सरकार है, तो हमारा तो दायित्व है ना जी। राजनीतिक मजबूरी तो नहीं? मजबूरी कोई नहीं होती, मजबूरी क्या होती, मैं मजबूर आदमी नहीं हूँ, मैं मजबूत आदमी हूँ। अच्छा सर, जब से भाजपा में आए हैं राजनीति सक्रियता पूरा कम हो गई है, यही तो आपको समझ में आता होगा ना। देखिए, हर एक जगह पर अपना अपना दायित्व होता है। आप लोगों को क्यों ऐसा लगा? चूंकि मैं पिछले 5-6 महीने से मैं दिल्ली में था, तो लोगों को लग रहा था कि आरसीपी सिंह कहाँ गायब हो गए, लापता हो गए, दिखते नहीं हैं। तो भाई, केंद्रीय नेतृत्व है, उसे हमारा विचार विमर्श हुआ था, उन्होंने रोका था। तो भाई, हम जिस पार्टी में हैं उसके जो वरीय नेता जो कहेंगे वही ना हम करेंगे। और आज इसलिए फिर क्यों हम घूम रहे हैं कि सब लोगों को लगे कि नहीं नहीं मैं तो एक्टिव हूँ, और मैं एक्टिव हूँ और एक्टिव रहूँगा और बिहार में मजबूती से काम करूंगा और संगठन को मजबूत करूंगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आपकी ऊर्जा, आपका विश्वास और क्षमता जो अनुभव है उसको देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आपको मांग की जा रही है, ये आरसीपी बाबू बिहार का मुख्यमंत्री बने विधानसभा चुनाव जो हो जाए। देखिए, अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ और मेरा काम है कि जिस संगठन में रहूँ उस संगठन को मजबूत करें, और जहाँ तक किसी पद की बात होती है तो बताइए, मैं तो भारत सरकार में केंद्र का मंत्री भी रह चुका हूँ, तो ये तो जब समय आता है उस समय जो स्थिति बनती है, जो जनता का मैंडेट प्राप्त होता है और जो दल होता है जिसकी ज़्यादा संख्या होती है, वो तय करता है कौन मुख्यमंत्री बने। सर, चुनाव के समय जो सच्चे कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लिए सब कुछ देते हैं, उनको टिकट न दे करके
अचानक टिकट दे दिया जाता है, इससे क्या असर पड़ता है कार्यकर्ता? देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए मैं संगठन में काम किया हूँ और मैं इसका पुरजोर समर्थक हूँ कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता का मान सम्मान होना चाहिए। जिस दल में कार्यकर्ता का मान सम्मान होगा उसी दल का भविष्य भी होता है। और जब कार्यकर्ता का मान सम्मान का मतलब क्या होता है, उनके साथ संवाद होते रहना चाहिए। और जब भी अगर चुनाव है तो जो हमारे संगठन के लोग हैं उनको दायित्व दिया जाना चाहिए। अब उनको दायित्व देंगे तब ना लोग संगठन में काम करना चाहेंगे। और मैं बता दूं, मैं जिस दल में मैं पहले जब था, आप पता कर लीजिए, मैंने बहुत सारे ऐसे साथियों को जो संगठन में थे उनको टिकट दिलाने की मैंने पैरवी की थी और लोग टिकट पाए थे। तो मैं इस बात का समर्थक हूँ कि जितने हमारे मजबूत साथी कार्यकर्ता वर्षों से संगठन में काम करते हैं, दल में काम करते हैं, जब चुनाव आए तो पार्टी को उनको चुनाव लड़ाने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वो पाँचों साल 24 घंटे मेहनत करते हैं। और जब चुनाव की लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, चुनाव की बात आई तो भले ही आपके कार्यकर्ताओं ने कहा, भाजपा के लोगों ने कहा कि ठीक है हम साथ में हैं, लेकिन दबी जुबान में उन लोगों के अंदर एक खलिश थी कि टिकट अचानक जो है दूसरे को दे दिया गया। विधानसभा में इस तरह की चीज़ें तो नहीं देखने को मिली। देखिए मैंने आपको बताया ना, देखिए दो चीज़ें हैं। एक, जब कोई दल अपने बूते चुनाव लड़ता है तो फिर तो आप स्वतंत्र हैं कि भाई 243 सीट है आपके पास, जिसको लड़ना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप किसी गठबंधन बनाते हैं तो उसमें गठबंधन में सहयोगी दल होते हैं, उनके साथ आपको सीट का शेयरिंग होता है। सीट शेयरिंग का कुछ फॉर्मूला होता है, उसके आधार पर जितना सीट आपको मिलेगा उसी पर ना आप लड़िएगा। तो देखिए आज की तारीख में अगर आप अलायंस में लड़ते हैं तो आपकी जो क्षमता चुनाव लड़ाने के साथियों की वो कम हो जाएगी। देखिए इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर आरसीपी सिंह जी आईएएस ऑफिसर रहे हैं और विद्वान व्यक्ति हैं। उनकी बेटी लिपि सिंह जी अभी आईपीएस हैं और एक शिक्षित व्यक्ति का डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जन्म धरती पर आना हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। और जब आरसीपी सिंह जी को हम लोग सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेरित होते हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह जी में सरदार पटेल की एक झलक ये देखती है कि ये एक सूत्र में सबको बांध करके चलने में विश्वास रखते हैं, जात के साथ साथ जमात यानी सबको जोड़ करके चलने की बात करते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कि इन्होंने बताया कि हमारे जो शिक्षक थे रामचंद्र यादव जी जो थे, तो कहने का मतलब एक व्यक्ति का जब निर्माण होता है तो उसमें बहुत सारे लोगों का उसमें योगदान होता है। तो सरदार पटेल की अनेकता में एकता जैसी जो कथन है उनको आत्मसात करने का काम रामचंद्र बाबू करते हैं, साथ साथ कौटिल्य की कूटनीति और शिवाजी का शौर्य आरसीपी सिंह जी में दिखता है। और हम लोग एक शिक्षित व्यक्ति हैं तो हम लोगों का प्रयास रहा कि आरसीपी बाबू सिवान की धरती पर आएं और हम लोगों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे जो भी आरसीपी बाबू को सुने, उनसे प्रेरित हों और आगे बढ़ें, जीवन में खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को भी साकार करने का कार्य करें। यहाँ डॉक्टर राजीव कुमार सिंह के क्लिनिक के प्रांगण में भव्य अभिनंदन समारोह हुआ जी जी। और डॉक्टर साहब के क्लिनिक में, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह के क्लिनिक में जो उन्हें सम्मानित किया गया जी जी, लोगों ने मिलकर सम्मानित किया जी जी, क्या कुछ कहेंगे? जो चिकित्सक भी उनके सम्मान में आगे आ रहे हैं। देखिए डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जी जो हैं लकवा रोग के विशेषज्ञ हैं और काफ़ी सिवान में कम समय में इन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त की है और शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित और जागरूक रहते हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य ये भी था कि आरसीपी बाबू जब सिवान की धरती पर आएँ तो हमारे बच्चों से मिले तो हमारे बच्चे भी प्रेरित हों और इन बच्चों के साथ साथ और बच्चे भी जो अप्रत्यक्ष रूप से आप लोग के चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं वो प्रेरित हों कि एक आईएएस ऑफिसर को घर में जब बुलाया जाता है तो एक मैंने एक एक बच्चा जो होता है वो प्रेरित होता है और उसको बताया जाएगा कि हाँ आरसीपी बाबू के, जैसे आरसीपी बाबू बोल रहे थे तो अपनी जीवनी बता रहे थे
तो उनकी जीवनी से हम लोग को प्रेरणा मिलती है कि कैसे संघर्ष करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे एक बेहतर IAS ऑफिसर बनना है। अब इस कार्यक्रम के बाद से एक मीडिया के माध्यम से जो खबर आएगी, कुछ लोग ये कयास लगाएंगे कि हो सकता है डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जो पैरालिसिस लकवा के डॉक्टर हैं, ये भी तो चुनाव के मैदान में नहीं आ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहते हैं, मेरे मामा जी भी हैं, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए सिवान में आए हैं और ये बोलते भी हैं। इनका एक भगिना जो है NDA क्वालिफाई है और वो मतलब एज ए सब लेफ्टिनेंट ज्वाइन किया हुआ है। एक भगिनी है जो मेरी बहन भी लगेगी, वो समझिए कि पूरे महाराष्ट्र में टॉप की थी, MBBS कर ली है, अब MD या MS करेगी। तो ऐसे सर का विशेष ध्यान रहता है ज्ञान पर और ज्ञान का केंद्र बिंदु अगर नालंदा है तो जिसके जन्म दिवस के रूप में हम लोग राष्ट्रीय मेधा दिवस मनाते हैं, वो तो राजेंद्र बाबू सिवान के ही थे। और आप लोगों ने सुना, हम लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान भी मिला कि राजेंद्र बाबू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहुत अच्छे संबंध भी थे और बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला। तो एक शिक्षित विद्वान व्यक्ति के जब सानिध्य प्राप्त होता है तो बहुत अच्छा लगता है। क्या सर, देखिए लोग जोड़ेंगे, लोग का सोचना है, अपने अपने तरीके से लोग सोचे। गिलास में पानी भरा हुआ है तो किसी को लगता है आधा गिलास खाली है, किसी को लगता है कि आधा भरा हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि आधा पानी से भरा हुआ है, आधा वायु से भरा हुआ है। पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए, सकारात्मक विचार रहना चाहिए। और हम अपनी बात बता दें प्रत्यक्ष रूप से कि हम लोग किसी पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर के नहीं, किसी राजनीतिक को ध्यान में रखते हुए नहीं, क्योंकि सर अस्पताल चलाते हैं, हम कोचिंग संस्थान चलाते हैं, तो हम लोग का राजनीति से इसमें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ RCP बाबू को सम्मान हम लोग दिए हैं कि वो एक शिक्षित व्यक्ति हैं, कमिश्नर रहे हैं और IAS का इन्होंने सम्मान किया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, तिलो के क्या कहेंगे कार्यक्रम के बारे में? राजनीति से जुड़े हुए हैं, भाजपा के भाजीमो का जिला अध्यक्ष भी हैं आप और RCP सिंह भाजपा के ही नेता हैं, लेकिन इन दिनों राजनीति में काफी बड़ा संघर्ष हो रहा है, बड़े नेता भी हैं, किस तरह का सपोर्ट आप लोग का रहेगा सिवान? निश्चित रूप से RCP सर पूरे बिहार ही नहीं भारत के राष्ट्रीय नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी में बड़े कद के नेता हैं। और वो आज हम लोग के बीच सिवान में आए थे डॉक्टर राजीव सिंह जी के क्लिनिक पर और अपने सिवान के लोगों के बीच में बैठे और अपने संघर्ष की बातों को बताए। निश्चित रूप से अब आने वाला 2025 का चुनाव है जिसमें हमारे NDA के बड़े स्तर के जो नेता हैं वो बोले हैं कि डॉक्टरी पर 2025 में हम लोग 225 सीट जीतेंगे। उसका भी उद्देश्य रहा है, कुछ राजनैतिक और कुछ निजी भी संबंध होते हैं जिसको निभाने के लिए आज पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में दौड़ा कर रहे हैं RCP सर। और निश्चित रूप से इनके आज सिवान में आने से हम लोग के कार्यकर्ताओं, हम लोग जैसे कार्यकर्ता में एक नई ऊर्जा का प्रवाह हुई है। अच्छा, राजनीतिक बातें भी हुई हैं जी, तो उनके RCPC को मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर कई लोग कह रहे थे वो देखना चाहते, आप क्या चाहते? निश्चित रूप से अगर RCP सर यहाँ के CM बनते हैं और हमारे बिहार के जो विधायक हैं अगर इनको CM बनाते हैं तो निश्चित रूप से इनको प्रशासनिक और सामाजिक दोनों अनुभव है और जिसका लाभ पूरे बिहार को मिलेगा, ये अच्छी बात है। इतना बड़े नेता है लेकिन इनका इस्तेमाल 2024 लोकसभा चुनाव में कहीं नहीं किया गया, भाजपा जो है आखिर वजह क्या था? देखिए कई स्तर का चुनाव में लोग अपना अपना जिम्मेवारी को निभाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि मंच से अपनी बातों को रखते हैं, पब्लिक को ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ लोग योजना बनाते हैं कि हमको कहाँ जाना है, किनसे मिलना है, बहुत तरह के चुनाव में विधि व्यवस्था होती है। तो बड़े स्तर के जो राष्ट्रीय नेता हैं उनको बहुत स्तर के कुछ, जैसे कि हमने बताया कि हर आदमी का अलग अलग दायित्व तो होता है, RCP सर पूरे चुनाव में बैठे रहे और एक वार रूम जो है इन्होंने ही संभाला हुआ था और वार रूम से अपना योजना बनाते थे, उस योजना पर काम होत रही थी। और आज देखिए NDA सरकार हम लोग पुनः केंद्र में तीसरी बार बन गई। 225 का टारगेट है आप लोगों का विधानसभा चुनाव, उसमें कितना बड़ा रोल रहेगा RCP का? अब उसमें देखिए निश्चित रूप से RCP सर केंद्र में तो रहेंगे ही रहेंगे 2025 के चुनाव में। और जब नेता हमारे सब बैठेंगे, संगठन के लोग बैठेंगे, अब केवल भाजपा, जदयू और
लोजपा नहीं रह गया है, ये एनडीए हो गया है। एनडीए के सारे राष्ट्रीय नेता, राजस्तरीय नेता बैठेंगे, उस समय जिम्मेवारी तय होती है और प्रदेश से तय होती है। तो आप देख रहे हैं कि आज आरसीपी सिंह का आगमन हुआ, सिवान के जाने माने डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने पूर्व आईपीएस और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को सम्मानित किया, पूर्व अभिनंदन किया। तो सर क्या कुछ कहेंगे, आज के कार्यक्रम की चर्चा बहुत हो रही है, आपने आरसीपी सिंह को क्यों आपने सम्मानित किया? सबसे पहले तो आरसीपी सिंह एक ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, पूर्व आईएएस हैं और एक शिक्षित परिवार से आते हैं और बहुत ही संघर्षशील और उम्दा किस्म का उनका व्यक्तित्व है जो हमेशा हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। जब मुझे यह जानकारी मिली कि उनका सिवान का दौरा है और मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने आग्रह किया कि आप मेरे दरवाजे पर आइए, मैं आपको मिलना और आपको सम्मानित करना चाहता हूँ। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और हमारे लिए उन्होंने समय निकाला और यहाँ पर आए। चूँकि आरसीपी सिंह जो है रामचंद्र प्रसाद सिंह आज के समय में परिचय के मोहताज नहीं है, पूरे भारतवर्ष में इनकी ख्याति प्राप्त है। औरंगाबाद के वर्तमान जिला पदाधिकारी इनके दामाद हैं, लिपि सिंह इनकी बिटिया है जो पुलिस अधीक्षक है, काफ़ी चर्चित और काफ़ी जो है उन्होंने कहा भी है, यहाँ के वार्ता क्रम में उन्होंने बताया भी कि वह दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर है। तो इससे हमारे बच्चों को, मेरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को, हमारे समाज को, हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं सबको लाभ मिलेगा, उनसे प्रेरणा मिलेगी कि हमको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, ताकि जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो भी कल DM SP बनेंगे। तो इस तरह के मनोभावना को मैंने देखते हुए मैंने उनको यहाँ पर निमंत्रण दिया, उनको आमंत्रण उनको दिया और वो आए और हमको बहुत अच्छा लगा। मुझे उनको सेवा करने का मौका मिला, मैंने उनको सेवा किया, उनसे मैं एक साथ हम लोग बैठे और उनके विचारों को जो है आदान प्रदान किए, इससे हम काफ़ी प्रभावित हुए।